रहेंगे भाई 25। तो आप सोफे में सोते हो उधर? कौन सा ये घर में सोफा है? इधर घर में सोते? सोफे में क्यों, बिस्तर में क्यों नहीं सोता ढंग से? ऐसा था ना कि अभी एक दीवान और लेना था। वो तो मिल जाएगा सेकंड हैंड। हाँ, लेकिन अभी वो सारे निकल गए, तो अभी विचार था लेने का, देख के भी आए थे तो, लेकिन फिर अभी कल सब झड़ गए। दीवान क्या करना है आपने? वो फोल्डिंग, एक फोल्डिंग वाली भी तो आती है वो दीवान टाइप की, वो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा बाहर का कमरा ना। ये देखो बड़ी बड़ी गाड़ी खराब हो जाती तो हमारी क्या औकात है। वैसे ही बंद करके बैठा होगा? नहीं नहीं, खराब हो गया होगा, ऐसे कैसे बैठ जाएगा? तो बैठ ही नहीं सकते रास्ते में, इनको अलाव ही नहीं है। रोड रोड का चक्कर होता ना इनका, अगर रोड का चक्कर होगा तो भी टर्मिनल में जाके वेट करेगा ना। बस स्टैंड से आगे जाके थोड़ी जाके वेट करेगा ये। अब खराब हो गया तो भी रुक सकते। बेटा पानी भरा होगा पक्का, ये वाला रोड पे और मुझे लग रहा है पानी आता है ना। तो मेडिकल इस मामले में सबसे बदनाम हो रखा है, यहाँ पानी कितना भर जाता है। यहाँ से ये जो टावर बनी है ना NBCC की, इसने थोड़ा सुधार किया होगा, इसने हार्वेस्टिंग वगैरह लगा रखा है ना, हो सकते है पानी खींच ले अपने पास सारा। उन जो काम खड़े हुए हैं बिलबोर्ड, नहीं होता बिलबोर्ड, वहाँ पे लाइन में खड़े हैं लोग उसके नीचे एडवर्टाइजमेंट। नहीं तो ये अब लोग अब बिजली का बिल डायरेक्ट जाके क्यों भरते हैं? सारे आजकल तो ऑनलाइन भरते सब कुछ। हाँ और क्या, ऑनलाइन नहीं फिर भी बिजली का बिल भरने जाते हैं, वो डिस्कस करने जाते होंगे या तो भाई इतना क्यों आ गया हमारा ये है। उसके लिए तो कस्टमर केयर में फ़ोन कर दो, वो बता देगी सर इस टाइप इस भाई सब जो बिल आया वो तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ तो ऑनलाइन करो ना, ऑनलाइन कर दो। हाँ तो जाने की जरूरत क्या था, जाने की जरूरत ही नहीं, आजकल तो हर जगह ऑनलाइन ही हो गया। मैं तो वाइफ को खाना पीना साथ ही सब कुछ ऑनलाइन तो है, सब ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो बरसों हो गए हम तो गए नहीं, मैं तो खुद ही सब कुछ ऑनलाइन ही करता हूँ। कईयों को पता नहीं होता ना, गांव टाइप के जो होते हैं इधर उधर के, उनको ऑनलाइन आता नहीं। नहीं नहीं गांव के नहीं है, होते तो सारे शहर के ही है, लेकिन बस वही है कि फैसिलिटी नहीं होगी, फैसिलिटी नहीं है मोबाइल पे वो सब चीज़। अरे देखो पानी भरा रहता है, मैंने कहा था ना इसीलिए कह रहा था मैं, यहाँ पानी भरे रहता है कि आगे मेडिकल का एरिया है। हमें कहाँ से इधर साउथ एक्स से लें यहाँ से लें? हमें कहाँ से मोड़ना है? हमें तो सीधा जाना है। क्यों साउथ एक्स से चले? साउथ एक्स का तो और बुरा हाल होता, आपने देखा नहीं जब राइट लेके हम गए थे तो? ये तो पानी भरा होगा। पानी नहीं है, वैसी भीड़ आई है। अरे नहीं पानी भरा है सब जगह। ये कौन से वाले मेट्रो आई एम ए? ये वाले कौन से जा रहा रोड? ये फ्लाईओवर, ये सीधा मेडिकल, ये वही आपका ये सराय काली खान? हाँ सराय काली खान, बारह खंबा क्या कहते हैं इसको? बारह खंबा नहीं कहते वो, कौन से फ्लाईओवर का नाम है ऐसे? बारापुला। बारापुला अच्छा वो है, आया हुआ यहाँ से भी मैं। मेरे घर में कोई नहीं है, पता नहीं क्या हुआ होगा यार ऊपर छत में। ड्रेनेज तो कर दिया सारा? अरे वो तो कर रखा लेकिन कुछ पता नहीं होता ना कभी क्या चीज़ आके बनाले में फंस जाए और पानी निकल ना पाए, आदमी का रहने से तो पता चल जाता है। और किराएदार अपने नीचे है ऊपर कोई नहीं है, है? दिक्कत आ जाती है ना। विष्णु क्या नाम था उसका बैठा भी? कौन विष्णु? जो पानी के चक्कर में तो जा खाली कर रहा है ना कमरा? कर रहा है अच्छा, खाली कर रहा है आदमी का, आज खाली कर देगा कह रहा था 20 तारीख। अच्छा मैंने कर दे भाई तेरी मर्जी, इतना तो जितना पानी चाहता है उतना पानी लहर में, इसे अच्छे टाउन में जा हिल स्टेशन वहीं मिलेगा, ये
यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तुझे 500 लीटर के टंकी दो बार भर के तो 1000 रुपये के 1000 लीटर के टंकी भी तुझे पूर्ति नहीं होता है, तो तुझे कौन से टंकी भर के दूँ भाई ऐसे, क्या कौन से तू यूज़ कर रहा पानी, मुझे यही समझ नहीं आता है। 500 लीटर टंकी से भी पूरे दिन चलता, मैं तो फिर भी तुम्हें 1000 टंकी भर के दे रहा हूँ दो बार। उसी चक्कर में खाली कर रहा है, पता चलेगा ना, अभी पहली बार तो दिल्ली में आके रह रहा है, मेरे पहले ही किराएदार बना वो मेरा, मतलब और अभी दिल्ली में किसी का बना ही नहीं हो, अब दूसरे जगह जाएगा ना तो पता चलेगा यार वही सही था यार, इसका मतलब यहाँ चुन तो बोले पानी दे तो रहा हूँ वो दे भी रहा है, खुला है वहाँ तो मकान वाली भी चिड़चिड़ा नहीं है, यहाँ तो साला मकान वाली जब उसको कोई बुजुर्ग को मिलेगा ना तब वो देखना कितना है, अभी तो उसको उसकी उम्र के बंदा मिल गया था इसलिए कुछ बोलता नहीं था। से यूज़ करोगे जो इमरजेंसी है तो फिर भरवा लो हल्का सा। अरे मैं कहता हूँ कुछ इमरजेंसी ऐसे क्या होगा, कभी हफ्ते में एक बार ही तो होगा, अब ऐसे भी कौन सा परिवार पाल रहा हो, इतना बड़ा परिवार, दो बच्चे बहन छोटे और मियाँ बीवी है, हस्बैंड कभी ड्यूटी चले जाता है तो चलो चले जाता है, कितना चाहिए एक ले 1000 लीटर बहुत है यार, दो बार भरवा ले भाई, तो तीन तीन बार भरवाता है, अभी भर दिया 3 घंटे 4 घंटे में फिर ख़त्म हो जाती है पानी उसकी, पता नहीं कहाँ यूज़ करता है पानी को, कैसे यूज़ करता है, यही समझ में कुछ बोल। वाटर कूलर है क्या है? वाटर कूलर लगा रखा? नहीं नहीं वाटर कूलर तो कुछ नहीं लगा रखा अभी तो, नहीं वो जो होता है पंखो आरो, नहीं आरो नहीं, वो जो कूलर होता है कूलर एयर कूलर है, वाटर कूलर घर का, वाटर नहीं एसी, वो जो एक तो एसी होता है एक दूसरा जो डेजर्ट कूलर, अरे डेजर्ट कूलर वो कहाँ लगाया उसने, नीचे ठंडा ही रहता कमरा, वो बेको समझ रहा है दूसरा, मैं उसने सोचा कि चल सही घर मिल गया इसको और ऐसे लूटते रहो, अपना जो पैसे दे रहा हूँ उसी से इसका पूरा खर्चा कर। मैंने कहा तू भाई तू जा भाई तेरे, मैंने कहा तेरे से पहले बहुत लोग आके रहे कई साल रहे किसी ने कोई दिक्कत नहीं आई, इतना टाइम थोड़ी है भाई तेरे लिए हम बैठे रहे घर में पानी भरते रहे, हमें भी तो काम करना है, मैं यही दिमाग में लाऊँगा कि मेरे किराए को पानी चाहिए, मेरे घर हर 3 घंटे में यही सोच रहूँगा तो हो गया मेरा तो सत्यानाश, इतना टाइम थोड़े तुम्हारे लिए 2-2 3-3 घंटे में सोचते रहूँगा कि पानी चाहिए पानी चाहिए, बिजली खर्च होती है पानी सब कुछ भाई सब ऐसा नहीं होता है, तरीके से यूज़ करो एमर, कभी हफ्ते में चलो एक बार हो भी जाए तो समझ में आती है, रोज़ हो छोड़ी है हमारे बहन छोड़ 10 मिनट पानी आता है उसी से काम चलाना पड़ता है भाई, क्या करें। मैंने इसको ये भी बोला, मैंने कहा जो तुम आरओ का पानी जो तुम्हारा बर्बाद होता है ना अलग से वो चलता जो रहता है, हाँ उसको एक बाल्टी में कहीं भर के यूज कर लो, कपड़े धो लो कहीं लैट्रिन बाथरूम में, कपड़ा धो लो बर्तन धो लो, वो बेहतर रहता है पानी, वो बेहतर रहता है इनका, वो बहन जो मैंने तो खाली हो जाती है, मैंने नहीं खैर आरओ तो इतना बड़ा नहीं कितना होगा 1 लीटर खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो पानी तो बचत करो ना, उसको एक उसमें छोटी बाल्टी रख लो, उसे रख ले वो पानी कहने का काम आएगा, काम आएगा। मैं तो आरओ के पानी से नहा भी लेता हूँ, जो साफ पानी होता है मैं जो निकलता है ना मैं वो बाल्टी भरता हूँ, मैं पूरा भरने के बाद उसी पानी से नहा भी लेता हूँ मैं, बात तो नल का ही पानी है ना वो भी देखते रहेगा, वैसे एकदम शुद्ध पानी है जो वेस्टेज निकलती है वो मैं उससे नहाता भी हूँ, खत्म हो गई बारिश, अब नहीं आएगी, दो झटके आने थे 2-3 झटके आ गए, बूंदी आ गई भाई, अब ये आधा घंटा ऐसी चलेगी फिर बंद हो जाएगी, बंद कर दो भाई फिर हैं, बंद कर दो गैस की, इसकी होगी सही नहीं होगी ये है ना, मौसम ऐसा है ना कि गाड़ी भी कभी कभार बैक मार देती ना हवा, नहीं फिर वो दूसरे का पॉल्यूशन, दूसरी गाड़ियों की पोल्यूशन आ रही है,